आज आप संघर्षरत हैं, सब लोगों के मन में दुख है। रविदास मंदिर जो हमारी आस्था का केंद्र था, इस सरकार ने तोड़ा। वो बहाने बनाए जा रहे हैं, कोई कह रहा है गलती से तोड़ा, कोई कह रहा मंदिर नहीं तोड़ना था, आसपास का एनक्रोचमेंट हटाना था, किस किस तरह की बातें यहाँ देखने में आ रही हैं। हम लोगों ने 10 एकड़ मांग करनी थी, लेकिन हम लोगों को ये सरकार बहका रही है। ये कोर्ट अदालतें आजकल कोई मायने नहीं रखती, इन अदालतों का कोई महत्व तो नहीं रह गया है, महत्व तो सिर्फ आजकल है मोदी का, नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार का। वो जो चाहेंगे वो करना चाहते हैं, लेकिन हम मोदी सरकार को बता देना चाहते हैं कि हम किसी से कम नहीं हैं, किसी तरह भी कम नहीं हैं, और हम झुकने वाले भी नहीं हैं। हम यदि ये चाहें कि 200 गज या 400 मीटर की बात करते हैं तो ये गलत फहमी में हैं। इनको शर्म आनी चाहिए, तुम अपने मंदिर कितने कितने जगह में बढ़ाते हो। और आज जब दलितों का हमारे संत रहे हैं, संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की जो जगह जिन पर आस्था का केंद्र है हमारे समाज का, यदि उसमें इस तरह की अड़चन पैदा करेंगे तो आप लगा लीजिए हम ये राम मंदिर भी नहीं बढ़ने देंगे, चाहे उसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े। ये अपने आप को यदि ये समझते हैं कि हम लोग बढ़ा लेंगे, अरे भाई तुम्हारी तादाद है कितनी, राम मंदिर बनने वाले अपने उंगलियों पर गिने जा सकते हैं। हम लोग किसी तरह का चैलेंज नहीं करना चाहते, लेकिन हमें झुका करके ये हमसे भीख मंगवा करके ये चाहते हो कि हमें 400 गज जगह में डटा दे। हम तो ये कह रहे हैं कि हमारी वही जगह जितनी हमारी है वही हमें दे दो, जो ऑलरेडी हमारे पास अब से नहीं 600 साल से जगह है। तो जो ये धोखेबाजी चल रही है, इनके रिकॉर्ड में सब कुछ लिखा हुआ है, लेकिन फिर भी ये लोग हमारे साथ जुल्म ज्यादती करते हैं। हम लोग यहाँ की सरकार को चेताना चाहते हैं कि हम लोग को मजबूर ना करो कि हम लोग गलत रास्ते पे जाएं। ये जो गलत रास्ता अपनाया जाता है, ये सरकार जब परेशान करती है तब अपनाया जाता है। यदि इंसाफ मिले, हमारे साथ जुल्म ज्यादती ना हो, हमारे साथ हमारे हक की बात हो, तो हम सरकार के साथ हैं और उनको धन्यवाद भी देंगे। लेकिन हमारे साथ यदि जुल्म ज्यादती होगी तो हम किसी तरह भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज वो जमाने गए जब हमारे बाप दादों के पीछे तुमने झाड़ू बांधी हांडी लगी, आज वो जमाना है, हम तुम्हारे गले में झाड़ू तो हांडी बांधेंगे और तुम्हारे टुकड़ों के पीछे हम लोग झाड़ू बांध आ गए दिल्ली में, पूरे देश में घुमाएंगे। ऐसा समय आने वाला है, यदि आप सुधरे नहीं तो या आप सुधरिए, समता एकता की बात करिए, सब भाई भाई है, सबका अधिकार बराबर है, ये देश सबका एक सा है। हम लोग ये चाहते हैं कि इसमें किसी तरह का कोई उपद्रव ना हो, लेकिन ये लोग मजबूर यदि करेंगे तो हम क्या कर सकते हैं। हम लोग अपनी जान बचाने के लिए तो अपना कुछ तो करेंगे। आज इन लोगों ने, मैंने कहा था बातें बहुत करने की थी, लेकिन क्योंकि सब लोग बोलेंगे समय कम है, मैंने एक बात जो रुकी, आप लोगों से भी कहूँगा, उन लोगों को आर्म्स लाइसेंस दिए जाते हैं जिनको स्वर्ण समाज के आदमियों को, और हम लोगों क्यों दिए जाते हैं, हमें मारने के लिए। और जब हमारा आदमी लेने जाता है कहता है तुम्हारी औकात नहीं है, हमारी तो औकात नहीं है, जैसे हमारी कोई जान नहीं है, उनकी जान भी है, उनके पास सब कुछ है। हमने उनको कहा कि लाइसेंस या तो उनके वापसी करो या हमें भी लाइसेंस दो, बराबर हो। 4 लड़के आ गए, हम घर जला जाते हैं, गोलियों से भून जाते हैं, ये हमें बर्दाश्त नहीं। यदि आप लोग नहीं दोगे तो इस हिंदुस्तान में आप लोगों ने फैक्ट्री लगवा रखी है नाजायज, हम उन फैक्ट्रियों का भी माल खरीदना जानते हैं, हम लोग उसको खरीद करके अपने पास रखेंगे। और जो लोग हमारे बस्ती पे हमला करेगा या हमारे बहन भाई बेटी के साथ कोई बेइज्जती करेगा, मैंने अपना खुला कहा है, जो मुझे गिरफ्तार करना कर ले, वो वापस नहीं जाना चाहिए, जुल्म ज्यादती करने वाले की लाश मिलनी चाहिए, ऐसा मैं देखना चाहता हूँ। मेरे नौजवान भाई बहन जहाँ भी हो ये बात सुन ले कि हमें ये बर्दाश्त नहीं, यदि कोई हमारी बहन बेटी के साथ जुल्म ज्यादती होगी तो उसको गोलियों से भुना जाएगा, सीधा नहीं भुना जाएगा तो लुक छिप के भुना जाएगा, लेकिन उसको हम जिंदा छोड़ेंगे नहीं। यदि सरकार हमारे को न्याय नहीं देगी, सरकार न्याय देती नहीं है, पुलिस केस लिखती नहीं है, जाते हैं तो कोर्ट में जाके सब छूट जाते हैं, बड़े बड़े केस जो महाराष्ट्र का हुआ है, जो बाथम का बिहार का हुआ है, सब बाइज्जत भरी, अरे बदतमीज हो, क्या आदमी मरे नहीं,
क्या घर जले नहीं, क्या बहन बेटी के साथ इज्जत लूटी नहीं, उसकी हत्या हुई नहीं, ये नहीं किसी बदमाश ने, किसी भी जज ने ये नहीं कहा, दोबारा इंक्वायरी करो, हम SIT के अंदर करेंगे, यदि प्रमाण नहीं मिल रहा प्रमाण लाओ, किसी ने तो मारा होगा, आदमी मरे हैं, लड़की हमारी मरी है, उसके साथ गलत व्यवहार हुआ है, ये बात कोई नहीं कहता। मैं इस देश के सभी जो मेन पदों पर बैठे हुए चाहे वो जज हों, उनसे सबसे आग्रह करना चाहता हूँ कि सरकार के बिना दबाव के काम करें और न्याय दें। हम लोग न्याय पसंद आदमी हैं, हम किसी के साथ जुल्म जाति नहीं करते, लेकिन यदि जुल्म जाति मेरे समाज के साथ होगी तो मैं पूरा अपने समाज को अधिकार दूंगा कि इसी तरह यदि वो जैसे हमारे साथ हुआ है, जो जुल्म जाति हुई है वही बर्ताव उस दूसरे के साथ होना चाहिए, अत्याचारी बच के नहीं जाना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ बातें बहुत हैं, रविदास मंदिर जी पढ़ाने की बात है, या तो उन्होंने ये अभी अपना फैसला जल्दी में सुनाया, नहीं तो हम चल के बनाएंगे, हम लाख आदमी भी गिरफ्तारी देनी पड़ी, लाख आदमी भी गिरफ्तारी देंगे, जेल भी जला के छोड़ेंगे, इनका भी सारा हम जो भी होगा हमसे करेंगे, इसलिए हम लोग मजबूर हैं, हमने पूरा मौका दे रखा कोर्ट को, अदालतों को, सरकार को, सबको ये हाथ जोड़े, सब खुशामद करें, भाई हमारा मंदिर, हमारी आस्था का भी सवाल है, ये तुम्हारी आस्था राम मंदिर में है तो हमारी आस्था भी रविदास मंदिर में है, आप हमारे को हमारी जगह वापिस लौटा दें, इसी में हम सबका भला है। धन्यवाद, जय भीम, जय गुरुदेव, धन्यवाद। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।